आज हम लोग बहुपदों के गुणनखंड करना सीखेंगे। बहुपदों का गुणनखंड हम किस तरह से करेंगे, तो बहुत सिंपल तरीका और बहुत आसान तरीके से उसको हम हल करना आप लोगों को सिखाएंगे। प्यारे बच्चों, इसको आप लोग ध्यान से देखिए। हम लिखे हैं एक एग्जांपल कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसका गुणनखंड करना है। गुणनखंड मतलब गुणनखंड आप लोग पढ़े होंगे, जैसे अचर संख्याओं का, जैसे 8 का गुणनखंड कर देंगे 2 × 2 × 2, माने प्राइम फैक्टर जिसको कहते हैं। तो उसी तरह से हमको माने बहुपदों का भी गुणनखंड करना है। जैसे 4 का करना हुआ तो 2 × 2 लिख देते हैं, 6 का लिखना हुआ तो 2 × 3 लिख देते हैं। तो लेकिन अब आपको एक ऐसा व्यंजक मिला है, एक ऐसा बहुपद मिला है जिसमें लिखा गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब इसका हमें गुणनखंड कैसे करना है? देखो बच्चों, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। इसमें हम देखिए, गुणनखंड तो कई प्रकार से किए जाते हैं, लेकिन हमें इसको करना है, इसका देख रहे हैं इसमें तीन पद हैं। ये है प्रथम पद, ये है द्वितीय पद, ये है तृतीय पद। इसको हम कहते हैं वर्ग समीकरण। माने यह है, इसका मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इसमें देख रहे हैं बीच वाले पद को हम कहते हैं मध्य पद। तो मध्य पद को हमको दो भागों में बांट करके गुणनखंड करना है। तो मध्य पद के दो भागों में कैसे बांटेंगे ये देखना है। तो इसका अचर पद देख रहे हैं लिखा गया 6। तो 6 को क्या करेंगे, 6 का हमें ऐसा गुणनखंड लेना है जिसको, जैसे देखिए 6 का गुणनखंड का मतलब ये हुआ, जैसे लिखा गया है 6, तो हम 6 को लिख सकते हैं 6×1 भी लिख सकते हैं, या 6 को हम लिख सकते हैं 2×3 लिख सकते हैं, माने 2×3 = 6। अब हमको ये देखना है कि हमें कौन सा गुणनखंड लेना है कि जिसको जोड़ने पर 5 आए। देख रहे हैं ऊपर लिखा है 6×1, 6 और 1 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, इसलिए यह नहीं चलेगा, इसको हम कट कर देते हैं। हमें लेना है कौन सा, नीचे देखिए लिखा गया है 6 = 2×3, माने 2×3 = 5 आ गया, हमको यही गुणनखंड लेना है। तब लिखेंगे यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर प्लस, अब देख रहे हैं जहाँ 5 लिखा है यहाँ पर हम लिखेंगे 3×2। यहाँ पर आप 3×2 लिखे चाहे 2×3 लिखे, दोनों सही, ये गलत नहीं होगा। तो 3×2 एक्स प्लस 6। इसके बाद क्या करेंगे, अब देख रहे हैं एक्स, एक्स का हम इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 2x, ये हो गया 6। अब आपके पास 4 पद हो गए, तो 4 पद में से आपको क्या करना है, 2 2 पद को 1 1 साथ कर लेंगे। तो अब देखिए लिखेंगे एक्स, 2 पद जब साथ लेंगे तो अब इसमें हमको देखना है कि हम इसमें से कॉमन क्या लें, माने उभयनिष्ठ क्या लें। देख रहे हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 3x है, माने इसमें से एक्स कॉमन हो रहा है, तो एक्स कॉमन ले लिए तो आगे यहाँ पर एक्स प्लस 3। अब इसमें से 2 कॉमन लेते हैं, तो जब 2 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा एक्स और यहाँ हो जाएगा 2×3 = 6। देख रहे हैं दोनों कोष्टकों में एक्स प्लस थ्री है। अब एक्स प्लस थ्री क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे, तो एक्स प्लस थ्री जब कॉमन ले लेंगे तो बचा कितना, यहाँ पर देख रहे हैं बचा एक्स और यहाँ पर बचा 2। तो इस तरह से आपका अभाज्य गुणनखंड एक्स प्लस थ्री और एक्स प्लस टू आ गया, यही आपका आंसर हो गया।